को तेरी बकवास देखने के लिए नहीं आ रहा हमें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का हिमालयन ट्रैवलर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक मैंने नया ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। इस बार मैं जा रहा हूं गढ़वाल। आज का जो स्टे रहेगा वो रहेगा जोशीमठ में, जो यहां से अराउंड 330 किलोमीटर के आसपास। तो मैं अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जय हो भागेश्वर हूँ भगवती। एक नया ट्रिप, नई शुरुआत और एक नई मंजिल। सो गाइस, इस बार मेरे साथ आ रहा है गौरव और इसको मैंने बैग थमा दिया है। चल आजा बैठ जा, इसके लिए भी लेट कर दिया मैंने। 7:15 के आसपास का टाइम हुआ है और देखो यार, सूरज इतने ऊपर पहुंच गया है। यहाँ तो कुछ कुछ जंगल ऐसे हैं, मतलब वहाँ तो धूप भी नहीं पड़ती है। हेलो ब्रदर्स, हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हो ब्रदर। 11:30 के आसपास का टाइम हो गया और हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ से बागेश्वर अब ज़्यादा दूर नहीं है। एक साथ दो काम हो जा रहे हैं यार, एक तो खाना हो जा रहा है, बाकी जो मेरा YouTube का काम है अब वीडियो अपलोड करने का वो भी कर ले रहे हैं। अलग अलग टाइप की देखो, राजमा भी है, कड़ी भी है, भटिया भी है, सब्जी है। यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्यों करो, बढ़िया सर, आ रहा है मज़ा। मज़ा आ रहा है, पहाड़ी में इसमें इतना नहीं होता, क्या हुआ सर। हाँ उतराणी कार्तिक लागे रो, उतराणी कार्तिक लागे रो, सरयू का बगड़ मा तुले मैले उनु बग सरम भेंट होली मेरी सरुली। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर, जहां पे बागनाथ मंदिर है और यहां होता है उत्तराणी का मेला। ये जो ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे सरयू नदी है, इधर गोमती और सरयू मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार, इसमें भी टेम्परेचर 41 डिग्री हो गया और यहाँ से जो ग्वालदम है 51 किलोमीटर है, तो ग्वालदम के बाद हमारा कर्णप्रयाग 110 किलोमीटर है और बैजनाथ मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर है, शिव पार्वती का मंदिर। तो भाई साहब कह रहे हैं कि ग्वालदम के लिए ये थोड़ा पीछे से कट के जाएगा। अभी हम बैजनाथ मंदिर के पास खड़े हैं, सामने पे उधर पे है बैजनाथ मंदिर और ये बोटिंग हो रही है, एक झील जैसी बनाई है। अच्छा यार, लास्ट टाइम जब हम आए थे उसमें बोटिंग तो नहीं हो रही थी। यहाँ इस वाले रूट में जाना था यार हमने, ग्वालदम श्रीनगर। गाड़ी की चेन बड़ा आवाज़ कर रही है यार। अच्छा, इस बार मैं चेन ल्यूब लेके आया हूँ, चेन ल्यूब करते हैं इसको। ये जगह है ग्वालदम, इधर मतलब कह सकते हो कि गढ़वाल में हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। अब ठंडा भी इधर बहुत ज़्यादा होता है यार। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो आप लोगों को इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, बट लेकिन जो हाल होता है ना पिछवाड़े का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार, कितना पेन होता है करके। खैर अभी पेन हो रहा है, कुछ टाइम बाद ये पेन ख़त्म हो जाएगा। यार हम लोग रुके हैं अभी थराली में और ये जो नदी बह रही है ये है पिंडर नदी और सामने हो गया पंगा। ये दो ट्रक लग गए हैं SSB वालों का और ये ट्रक इसने इनका सामान फाड़ दिया है, 18,000 का नुकसान करा दिया इनको। यहाँ पंगा हो रहा है। अब एक नया जुगाड़ लाए हैं, अब इसको हटा रहे हैं। 20 से 30 मिनट के आसपास वहाँ बर्बाद हो गए। वैसे तो पूरा रास्ता अच्छा है लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ अभी भी कटिंग नहीं हुई है यार, कर्णप्रयाग तक। शिमली पहुँच गए, यहाँ से कर्णप्रयाग लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। पेट्रोल दी इंड होने वाला था तो पेट्रोल भरवा ले रहे हैं। किस्मत भी ऐसी चल रही है कि थोड़ा सा पेट्रोल क्या भरा है, लाइट चली गई। अब जनरेटर ऑन करने गए हैं और मैं लाया हूँ वहाँ से ये एड ऑन से माइलेज बढ़ती है, ये डाल देता हूँ तब तक। 419 हो गया है गाइज और हम लोग पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग। यहाँ से जो बद्रीनाथ है 125 किलोमीटर, जोशीमठ 81 किलोमीटर है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं जा रहा हूँ जोशीमठ, बट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं, अभी तक सरप्राइज़ है। आप लोग जिसको अभी तक गैस हो गया है कमेंट करके बताओ किधर जा रहा हूँ मैं। बाकी आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने आया कि यहाँ पर को ये जो ब्रिज है, दो नदियों का संगम है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आपकी आ रही है ये है पिंडर नदी और उधर से जो आ रही है वो अलकनंदा नदी है। और इस जगह का नाम कर्णप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि
कहते हैं कि यहाँ भगवान कर्ण ने अपने कवच और कुंडल त्यागे थे, इंद्र भगवान वेश बदल के आए थे, वो महावीर दानी थे बोलते हैं, तो उन्होंने उनसे मांग लिया और उन्होंने दे दिया। यार अभी भी अच्छा खासा काम चल रहा है यार इस रोड में। यार यहाँ तो कईयों भीड़ हो रही है, बाप रे। तो यहाँ सरदार जी की फोटो टाइप की लगी थी और लिखा है यहाँ फ्री फूड। सो गाइस यहाँ चल रहा है भोजन, सरदार जी की सेवा। वाह यार मज़ा ही आ गया खाना खा के। हाँ गर्मी लेकिन ख़तरनाक हो रही है, हम तो सोच रहे थे कि बारिश मिलेगी। भाई साहब जाम देखो, जाम यार कितना लंबा जाम लगा है। इस ट्रैफिक में भी देखो भाई लोग पूछ रहे हैं चैनल का नाम, तो इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हिमालयन ट्रैवलर। तो काफ़ी लंबा लगा है तो हमने बोला थोड़ा टाइम पास कर लें, तो हम करेंगे रिवर क्रॉसिंग। चल फेंक फेंक, चल देखते हैं क्रॉस होती है नहीं होती है। नदी में गिरा, अब मेरा देख, मेरा देखना। हाँ देखना हाँ बेटा, ये गया क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अरे यार नहीं गया यार, वापस आ गया साला। अब देखते रहना, देख थोड़ा फिजिक्स लगाता हूँ। हम पत्थर फेंकने में रह गए और इधर खुल गया जाम। चलो जैसे तैसे कैसे एक जाम से तो निपटे और जीता, लेकिन मैं लास्ट वाला पत्थर मेरा पहुंच गया था। फिजिक्स लग गई उसमें। जब लास्ट टाइम मैं आया था उस टाइम पे टनल बन रही थी यार। ये टनल इसलिए बनाई है क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा ना मलबा गिरता है, क्या बताऊँ। ये डोम शेप की है, इसमें ऊपर से कितनी भी चट्टाने गिर जाए ना कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ चट्टानों को रोकने के लिए कितना ट्रीटमेंट किया है यार ये ऊपर पे भी। गाइस देखो यार एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ को, किसी पंजाबी बेचारे की गिरी है यार गाड़ी। सो फाइनली 7:30 के आसपास हम लोग जोशीमठ पहुँचने वाले हैं। बस मार्केट थोड़ी दूर है, ये ऊपर वाला जो रास्ता है ये ओली के लिए जाता है। लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा हमें, 2-3 घंटे का जो जाम लगा है ना, अभी जब पीछे से गाड़ियाँ आएंगी तो ख़तरनाक। मतलब वो लोग बेचारे आज पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं पता नहीं। सो गाइस बहुत सारे यात्री आ रखे हैं तो हम लोग भी ऐसे मार्केट घूम रहे हैं। देखो ये रूम की इतनी किल्लत हो रही है क्या बताऊँ। हम लोगों को जो सस्ता पड़ गया, एक बंदे को 450 के आसपास रूम पड़ गया, और रूम की कंडीशन भी अच्छी है, ठीक ठाक है। मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, रूम टूर करवाता हूँ, तो देखो आप लोग बताना कैसा लगा रूम। तो ये है हमारा रूम, ठीक है रूम, ये है नोमैडिक गौरव। बाकी वॉशरूम भी ठीक है, गीजर मिल गया यार, देखो ना सबसे बड़ी बात है। और इनकी टैक्टिक्स क्या होती है, ये बोलते हैं आप लोगों से कि 1200 रुपये दोगे तो आप लोगों को गीज़र वाला मिलेगा, अगर आप लोग 1000 रुपये दोगे तो विदाउट गीज़र। बट हर रूम में गीज़र होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग बोलना कि विदाउट गीज़र चाहिए, उसके बाद आप लोग करना बार्गेनिंग, मतलब बार्गेनिंग करते रहना कर देना, आ जाएंगे थोड़ा प्यार से बात करके। सो गाइस ऐसा था आज का व्लॉग, बट मैंने आज के व्लॉग में ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये है सरप्राइज़। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं किधर जा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोगों ने देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।